जब हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं कंडीशनल स्ट्रक्चर्स की, ये प्रोजेक्ट हमने बना लिया है, इसका नाम किया है 006 - कंडीशनल स्ट्रक्चर्स प्रैक्टिस। ठीक है, कंसोल एप्लीकेशन बनाई है हमने। अब बिकॉज अभी हम लैंग्वेज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जब हम लैंग्वेज को समझ जाएंगे फिर हम GUI एप्लीकेशन भी बनाएंगे। ठीक है, ओके। हमने कंडीशनल स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करनी, तो सबसे पहले हम इफ कंडीशन को समझते हैं। हम यहां पे इफ कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं। इफ स्टेटमेंट, हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल एन, और उसकी एक वैल्यू रख लेते हैं, सपोज 5। हम यहां पे लिखते हैं इफ एन इन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हम मैसेज देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन पॉजिटिव नंबर। सिंपल इफ की स्टेटमेंट है। ठीक है, अब मुझे बताएं इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। क्या आउटपुट आएगा, कैसे? एन की वैल्यू क्या है? 5 है ना, तो ये कंडीशन ट्रू होगी, फॉल्स? ट्रू है ना, तो फिर ये हमारा आउटपुट चलेगा ना। ठीक है, हमारी अभी मैंने यहाँ ब्रैकेट्स नहीं लगाई, इफ की ब्रैकेट्स भी तो होती है ना, ब्रैकेट्स मैंने नहीं लगाई थी, तो ब्रैकेट्स अगर आप ना लगाएं तब वो जस्ट वन स्टेटमेंट को उसकी बॉडी में कंसीडर करता है, अगर उससे नीचे कोई और लिखेंगे तो वो उसको बॉडी में नहीं समझेगा। समझ आ गई बात? ये ब्रैकेट्स लगाना चाहें वो भी आप लगा सकते हैं। हाँ, अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स आप इफ की बॉडी में लिखना चाहते हैं फिर तो ब्रैकेट्स लगाना लाजमी है। ठीक है, हम रन करते हैं। ओके जी, ये मैसेज आ गया। ठीक है, समझ आई बात? अगर हम कोई ऐसा नंबर लिख दें लाइक 0, अब क्या मैसेज आएगा? सेम मैसेज देखते हैं। ओके, अगर हम कोई माइनस का नंबर लिख दें फिर कोई मैसेज नहीं आएगा। शाबाश, ठीक है, ओके, कोई मैसेज नहीं आएगा। जी जी, इनपुट लेने का तरीका मैंने बताया हुआ है आपको, भूल गए? यूजर से भी ले सकते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे इफ एल्स को देखते हैं। ठीक है, अच्छा, नॉर्मली हम समझते हैं शायद इफ स्टेटमेंट अकेली इतनी यूज नहीं होती है, लेकिन इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा यूज होती है इफ स्टेटमेंट बगैर एल्स के। हम एक छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं, एक और। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल, हम 3 वेरिएबल्स ले लेते हैं और एक मैक्स ले लेते हैं। ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20, सी की वैल्यू 30। हमने इन तीनों का मैक्सिमम फाइंड करना है यूजिंग इफ स्टेटमेंट ओनली, इफ एल्स नहीं लगाना। ठीक है, हम इसकी लॉजिक क्या होती है कि जो फर्स्ट वैल्यू है वो असाइन कर दो मैक्स को, उसके बाद मैक्स को सेकंड वैल्यू के साथ कंपेयर करें। इफ बी इज ग्रेटर देन मैक्स, क्या बी की वैल्यू मैक्स से ज्यादा है? अगर ऐसा है तो फिर मैक्स आप बी को बना लो, बिकॉज बी की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, इसी तरह फिर आप लिख दो इफ सी इज ग्रेटर देन मैक्स सी। ठीक है, अब हमने सिर्फ
इफ स्टेटमेंट को यूज करते हुए मैक्सिमम फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। कंसोल डॉट राइट लाइन, मैक्सिमम वैल्यू इज, हम यहाँ पे डॉलर साइन लगाते हैं और ये ब्रैकेट्स के अंदर वेरिएबल की वैल्यू को शो करवा देते हैं, ठीक है, समझ आ गई। अब आंसर क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू इज 30, समझ आ गई बात। इसको मैं फिलहाल कर देता हूँ कमेंट आउट, ठीक है। कमेंट आउट की कमांड कहाँ होती है, पता नहीं कहाँ होती है, ये बाहर पड़ी हुई है, ये देखें कमेंट आउट द सिलेक्टेड लाइंस, ठीक है। ये इफ स्टेटमेंट होगी, इफ स्टेटमेंट की दूसरी एग्जांपल आ गई। अब मैं इसको भी कमेंट आउट कर रहा हूँ क्योंकि अब हमने इफ एल्स देखना है, ओके। हम एक वेरिएबल बना लेते हैं सपोज एन अगेन, और उसकी वैल्यू हम 20 रख देते हैं, बल्कि हम मार्क्स रख लेते हैं। मार्क्स की वैल्यू है फर्स करें 75, हम यहाँ लेते हैं मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, तो देन इट इज पास, अदरवाइज ये हमने स्ट्रक्चर लगा दिया। देखें ये स्ट्रक्चर समझ आ रहे हैं, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 तो ये वाला मैसेज आएगा, अदरवाइज ये वाला मैसेज। तो अब मुझे बताएं आउटपुट क्या आएगा। ओहो चलो 75 हो गया, ठीक है। अब मैसेज क्या आएगा, गुड। ठीक है, अगेन मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे ब्रैकेट्स भी आ सकती हैं। अगर आप समझते हैं कि मेरे जो ब्लॉक है ट्रू वाला या फॉल्स वाला, उसमें एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स आनी है, तो फिर आप ब्रैकेट्स लाजमी लगाएं, ठीक है, ओके। ये समझ आ गई। नेक्स्ट नेक्स्ट है इफ एल्स, इफ एल्स, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल हम करते हैं स्टूडेंट ग्रेड वाली। हमारे पास एक वेरिएबल है, फॉर एग्जाम्पल उसका नाम क्या है, परसेंट, और उसकी वैल्यू क्या है, फॉर एग्जाम्पल 71.55। अच्छा ये देखें, सम टाइम्स ऐसे होगा कि फ्लोट वेरिएबल बनाया और उसको आपने वैल्यू दी तो उसमें एरर आ रहा है। ये देखें, ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि नॉइज नहीं कर पा रहा कि ये फ्लोट वैल्यू है या डबल वैल्यू है। तो अगर तो आप डबल वेरिएबल बनाएंगे ना, फिर आपको ये एरर मैसेज नहीं देगा, ठीक है। फ्लोट बनाएंगे तब भी एरर मैसेज देगा। तो उसका सलूशन क्या है कि अगर फ्लोट वेरिएबल बना रहे हैं तो इस वैल्यू के साथ एफ लिखते हैं आप, वो आप इंडिकेट कर देते हैं कि दिस इज अ फ्लोट वैल्यू, ठीक है। अगर आप एफ नहीं लिखेंगे तो वो उसको डबल वैल्यू कंसिडर करेगा, ओके। अब हम यहाँ पे वो लगाते हैं अपना मल्टीपल एल्स इफ का स्ट्रक्चर, इफ परसेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू सपोज 90, तो हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का, उसका नाम हम लेते हैं ग्रेड। इनिशियली ग्रेड की वैल्यू एम्प्टी होगी, ठीक है। हम यहाँ लेते हैं ग्रेड इज इक्वल टू ए प्लस, ओके। समझ आ रही है इस कंडीशन की, अगर परसेंटेज की वैल्यू 90 से अबव है या इक्वल है तो ग्रेड की वैल्यू ये कर दो, अदरवाइज अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो फिर सेकेंड ऑप्शन हम दे रहे हैं कि अगर 80 से ज्यादा है तो हम उसकी वैल्यू कर दो ए, ठीक है। लेकिन यहां पे ये उसी सूरत में आएगा जब फर्स्ट वाली कंडीशन फॉल्स होगी। अगर फर्स्ट वाली ट्रू हो जाती है तो फिर इधर नहीं आना, उसने इसको इग्नोर कर देगा फिर वो, ठीक है। और उसके बाद है परसेंटेज की वैल्यू अगर 70 से अबव हो जाती है तो फिर क्या देंगे, बी, और उसके बाद 60 वाला ऑप्शन दे देते हैं, सी हो गया। एक हम दे देते हैं 50 वाला इस सूरत में, और अदरवाइज अगर इसमें से कोई भी सिचुएशन नहीं है तो फिर एफ। समझ आ गई, इसमें और क्वेश्चन कहाँ बेटा,
कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज जस्ट वन स्टेटमेंट है, हर ब्लॉक में जस्ट एक स्टेटमेंट है, जहां पे एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स होंगी वहां पे आप कर्ली ब्रेसेस लगाएं। समझ आ गई? ओके, इसको अब आपने प्रिंट भी तो करना है ना। कंसोल डॉट राइट लाइन ग्रेट इज, आगे ग्रेट की वैल्यू शो होनी चाहिए, डॉलर साइन शुरू में लगाएंगे और यहां पे ग्रेट का वेरिएबल का नाम। ठीक है, बताए क्या प्रिंट होगा? ग्रेड इज पी। समझ आ गई? एनी यस क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट हम स्विच की एग्जांपल देखेंगे। स्विच में हम लिखेंगे स्विच और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं डे ऑफ वीक की, एग्जाम्पल ले लेते हैं। वैसे उस नोट्स में भी आई थिंक डे ऑफ वीक वाली एग्जाम्पल थी। ठीक है, हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं डी एन। डी एन का मतलब क्या है? डे नंबर। ठीक है, और एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेते हैं डी नेम, उसका नाम मतलब क्या है? डे नेम। ठीक है, और हम स्विच लगा देते हैं डी एन पे। डी एन की वैल्यू हमने क्या दी हुई है? 3। अब हम यहाँ पे केसेस लगाएंगे डिफरेंट, कि अगर डी एन की वैल्यू 1 है तो डी नेम की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मंडे। उसने तो 1 से, उसने तो संडे से स्टार्ट किया था, हम मंडे से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट डे ऑफ वीक होता है वो मंडे होता है। कुछ कंट्रीज में होता है फर्स्ट डे ऑफ वीक संडे को समझा जाता है, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। ये ब्रेक स्टेटमेंट क्यों लगाते हैं यहाँ पे? हाँ, क्योंकि अगर हमने कहा है ना कि भाई केस 1 है, अगर हम 1 टाइप करते हैं तो बंद आ जाएगा, अगर ब्रेक नहीं लगाते तो आगे अगर दूसरी जगह कहेंगे केस को बंद कर दे तो वो कल और दे आ जाएगा। शाबाश, वेरी नाइस, बिल्कुल सही आंसर है। अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाएंगे तो वो जो नेक्स्ट कमिंग केसेस हैं वो भी शो उनको भी करते रन कर देगा, उनको भी एग्जीक्यूट कर देगा, हालांकि वो मैच नहीं हो रहे होते हैं, उनको भी कर देगा। ठीक है, हाँ ये है कि अगर उससे पहले कोई केस मैच नहीं हो रहा होगा तो उसको नहीं चलाया गया, उसके बाद वाले। ठीक है, जो केस होते हैं ना ये सीक्वेंस में देना जरूरी नहीं होता कि आपने पहले 1 फिर 2 फिर 3, सीक्वेंस अपनी मर्जी से दे सकते हैं। ठीक है, कि डिफॉल्ट, डिफॉल्ट में क्या लिखा आपने, क्या लिखेंगे? इनवैलिड इनवैलिड डे नंबर। ठीक है, और इसके बाद आपको ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है। डिफॉल्ट में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? कंट्रोल कैन नॉट फॉल आउट ऑफ स्विच फ्रॉम फाइनल केस लेबल डिफॉल्ट, ब्रेक लगाना लाजमी है इधर, ये प्रॉब्लम है इसका, सी शार्प का। डिफॉल्ट के बाद भी ब्रेक लगाना है, जो सी प्लस प्लस जावा थी उसमें लगाना लाजमी नहीं था, ऑप्शनल था, इसमें लाजमी है। ठीक है, उसके बाद हम इसका आउटपुट प्रिंट करते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन। हम यहां पे कहते हैं डे नेम इज, आगे हम डी नेम की वैल्यू प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, तो अब मुझे बताएं आंसर क्या आएगा? वेनसडे। ठीक है, ओके, अगर हम यहां पे फर्ज करें ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाते फिर क्या होगा? बस उसने आपको कंपाइल ही नहीं करने देना, देखो एरर दे दिया उसने, सी शार्प ने बंदोबस्त किया हुआ, ब्रेक लगाए बगैर बाहर नहीं जाना आपने, रन ही नहीं करना प्रोग्राम आप। ठीक है, ओके, अगर हम उसको कोई ऐसा नंबर दे दें जो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता फिर क्या होगा? इनवैलिड, इनवैलिड डे नंबर। ठीक है,
समझ आ गई। उसके बाद हमने पढ़ा था कंडीशनल ऑपरेटर, अब हम उसको देखते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर, हाँ जी, हम एक एग्जांपल लेते हैं ए बी और सी की। ए इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 10, बी 20। अब हम इन दोनों का मैक्सिमम फाइंड करना है यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। तो हम कंडीशन लगाएंगे ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ये ट्रू है तो फिर कौन सी वैल्यू चाहिए हमें ए, अदरवाइज हमें कौन सी वैल्यू चाहिए बी, ठीक है। और इसमें से जो भी आंसर आए वो किसको दे दो, सी को, ठीक है। वैसे आप चाहें तो सी के अंदर रखने की बजाय आई थिंक डायरेक्ट भी प्रिंट हो सकती है ए। नहीं, ऐसा नहीं करने दे रहा, वो कह रहा है वैल्यू रिटर्न कराओ, ठीक है। वैल्यू रिटर्न करवानी पड़ेगी आप, ठीक है। कंसोल डॉट राइट, हनी इसका आंसर क्या आएगा, सिर्फ 20 आएगा, मैक्सिमम वैल्यू इज 20, ठीक है। कंडीशनल ऑपरेटर समझ आ गया। अब हम चलते हैं फॉर लूप पे। फॉर लूप, फॉर लूप की जो सिंपल एग्जांपल थी वो तो हमने देखी है अभी नोट्स के अंदर, लेकिन अब हम इससे ना कोई और प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। मल्टीप्लीकेशन टेबल बनाते हैं हम, ठीक है। हम एक एन की वैल्यू सपोज 4 हम खुद ही साइन कर देते हैं, और आपने आई की स्टार्टिंग वैल्यू रखी 1, और फिर आपने इसको लेके जाएंगे 10 तक और इंक्रीमेंट करेंगे 1 का, और आर में क्या करेंगे आप, एन मल्टीप्लाई बाय आई, कंसोल डॉट राइट लाइन। यहाँ पे आपने क्या शो करवाना है, एन की वैल्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल एन की वैल्यू, उसके बाद एक मल्टीप्लीकेशन की सिंबल आएगी, फिर आई की वैल्यू, उसके बाद इक्वल टू की सिंबल आएगी, उसके बाद आर की वैल्यू, ठीक है। ये क्या प्रिंट होगा, टेबल टेबल प्रिंट हो जाएगा। किसका टेबल प्रिंट होगा, फोर फोर का, का, मल्टीप्लीकेशन टेबल प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये कोड सारा समझ आ रहा है, इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। ये 3 वेरिएबल्स की वैल्यूज प्रिंट हो रही है वेरिएबल जितने भी हो डॉलर साइन एक बार जी, जी जितने भी आप, यही तो मतलब फायदा है ना डॉलर साइन लगाने का। हाँ, उसमें तो अगर आप ये ना होता तो फिर आपने वो कॉन्केट ही करते रहना था, एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग से जोड़ना, फिर उसको तीसरी से, तो ये इसका फायदा है, ठीक है। यही काम अगर आपने करना हो फॉर लूप में तो वो कैसे होगा, यही वेरिएबल्स मैं ले लेता हूं। और यहां पे हम लिखते हैं एन इज इक्वल टू 4। अब वाइल स्टेट, वाइल कंडीशन के लिए आपको जो इनिशियलाइज है वो इधर करना पड़ेगा, आई इज इक्वल टू 1 वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10, और इसकी ब्रैकेट्स स्टार्ट हो गई, जो उसकी लास्ट स्टेटमेंट है वहां पे आप लिख दें आई प्लस प्लस। बाकी ये जो है ये वाली स्टेटमेंट आप यहां से कॉपी कर लें और इसको हम अनकमेंट कर देते हैं, ठीक है। समझ आ रही है ये वाइल का स्ट्रक्चर, इसका इनिशियलाइज यहां पे कर दिया है, इसका इंक्रीमेंट यहां पे कर दिया, कंडीशन यहां पे, ठीक है। और बाकी ये स्टेटमेंट्स वही है जो ऊपर से हम लेके आए थे, जो बेसिकली टेबल को प्रिंट कर रही है, ठीक है। सेम आउटपुट आ गया। अगर हम एन की वैल्यू को फर्स्ट करें चेंज करते हैं, लाइक 7 कर दिया हमने, तो अब देखें
ठीक है, और इसी को हम कॉपी कर लेते हैं डू वाइल में। ठीक है, डू वाइल में क्या होगा, ये जो कंडीशन है यहां से हम खत्म करके इसको कहाँ रखेंगे, यहां पे, और इधर क्या आ जाएगा, डू, बस और कोई चेंज नहीं है। ठीक है, ठीक है, लेकिन इसमें मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं आपको कि कंडीशन हमने क्या दी है, आई इज लेस देन इक्वल टू 10, और इनिशियल वैल्यू क्या थी उसकी, कंडीशन ट्रू हो रही है ना ये फर्स्ट अटेम्प्ट में। हम इसको कोई ऐसी वैल्यू दे देते हैं लाइक 17, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फेल हो जाएगी, लेकिन उससे पहले ये बॉडी एक दफा एग्जीक्यूट कर चुका होगा। ठीक है, कंडीशन बाद में टेस्ट होनी है, तो इसको हम रन करते हैं। ये देखें, एक दफा चली है, उसके बाद नहीं चली, समझ आ गई। और मैं दोबारा इसको वन कर देता हूँ, ब्रेक और कंटिन्यू भी मैं आपको इसी के अंदर समझा देता हूँ। यहां पे हम लिखते हैं इफ आई इक्वल्स टू 5 देन ब्रेक, ब्रेक व्हाट, ब्रेक द लूप, लूप ठीक है, शाबाश। लेकिन 5 का जब आएगी वैल्यू 5 होगी तो 5 का आउटपुट नहीं आएगा, बिकॉज 5 से जो आउटपुट है ना वो नीचे है, ब्रेक से आउटपुट जो है वो ब्रेक से नीचे है, तो वो नीचे वाली स्टेटमेंट स्किप हो जाएंगी। ठीक है, हाँ, अगर आप इसको यहां से उठा के लगा देते हैं यहां पे, अब आउटपुट आएगा 5 का। ठीक है, फाइव का आउटपुट आ गया, उसके बाद ब्रेक कर दिया उसने, लूप को ब्रेक कर दिया। इसको मैं अगर शुरू में रखता हूं यहां पे, जहां पहले लगाया था मैंने इधर, और ब्रेक की जगह लगा देता हूं कंटिन्यू, अब क्या रिजल्ट आएगा बताएं जी। फाइव वाली जो वैल्यू है ना, वो उसमें जब 5 आइट्रेशन चलेगी ना, तो ये वाला हिस्सा स्किप हो जाएगा और 5 से और नेक्स्ट 6 पे जाएगा, यानी 5 का आउटपुट नहीं आएगा आपका। देखें जरा, सारे नहीं आया क्यों? असल में ये लूप जो है ना, आई थिंक चली गई है, इनफाइनिट हो गई है। पता क्या है, हुआ क्या है, जब आई की वैल्यू 5 होती है ना, तो क्या कर देता है, कंटिन्यू, इंक्रीमेंट नहीं किया ना उसने, इंक्रीमेंट तो नीचे है ना, तो वो क्या करता है, फिर ऊपर चला जाता है डू पे, फिर नीचे आता है, आई तो 5 है, आई तो चेंज हुआ नहीं, फिर ऊपर, फिर डू पे, फिर आई 5, 5 चेंज नहीं हो रहा। तो हम ऐसा करते हैं कि हम वो जो है ना, हम कहते हैं भाई इंक्रीमेंट करके जाना, कहीं फंस नहीं आना, इधर फंस गया था, इधर वो इस इनफाइनाइट लूप के अंदर चला गया था वो। ठीक है, चले इसी बहाने आपने इनफाइनाइट लूप भी समझ ली। अब देखिए, 5 वाला तो नहीं आ रहा दरमियान में ना, जब 5 हुआ तो उसने क्या किया, आई को इंक्रीमेंट कर लिया और कंटिन्यू कर दिया, भाई नेक्स्ट आइटरेशन चलाओ। ठीक है, एनी क्वेश्चन? ओके, इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं।